करगिल विजय दिवस पर द्रास सेक्टर में मौजूद युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह यहां मनाया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने द्रास सेक्टर में मौजूद युद्ध स्मारक भी देखने गए, जहां करगिल युद्ध से जुड़ी सारी जानकारियां और स्मृतियां संजोकर रखी गई हैं। द्रास युद्ध स्मारक इंडियन आर्मी ने 1999 में करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में बनाया है। इस वॉर मेमोरियल की गुलाबी पत्थरों पर ऑपरेशन विजय में शहीद जवानों के नाम अंकित हैं। इसे विजय पथ के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली NCR में हो रही तेज बारिश लोगों के लिए चिंता बनी हुई है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध नगर जिले यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण प्रशासन ने बुधवार को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कहना है कि यहां से गुजरने वाले हिंडन और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शिविरों में रखा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि जिला अधिकारी ने पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय बुधवार को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर है। गाजियाबाद के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। साहिबाबाद, मोहन नगर, फारूक नगर जैसे इलाकों में हिंडन के पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग घरों को छोड़कर अपने घर की छत पर चले गए हैं, वहीं कई लोग परेशान हैं और पानी में निकलने के लिए मजबूर भी। NDRF की टीम अब तक इन इलाकों में करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद त्रिनिदाद से बारबाडोस की यात्रा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके आगे की जर्नी के लिए रात की कोई फ्लाइट बुक न की जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टीम को त्रिनिदाद से रात 11 बजे उड़ान भरनी थी। हालांकि देरी के कारण फ्लाइट ने सुबह 3 बजे उड़ान भरी और वे सुबह 5 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुंचे। खिलाड़ियों को हो रही असुविधा के कारण भारतीय टीम मैनेजमेंट ने देर रात की फ्लाइट्स के बजाय सुबह की उड़ानों का सुझाव देते हुए उनके अगले डेस्टिनेशन के लिए बेहतर योजना बनाने को कहा है। BCCI ने इस अनुरोध के लिए मंजूरी दे दी है और अब आगे के कार्यक्रम में बदलाव लाने पर काम किया जा रहा है।